क्या हाल है? आई होप तुम सब अच्छे होंगे और अच्छा से पढ़ाई करता होगा। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और लेक्चर पे जा रहे हैं और ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड फ्रॉम ईस्टर। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था ईस्टर से ही कि कैसे बनता है, बट वो था बेस मैकेनिज्म, ठीक है, थ्रू बेस। ये हम लोग पढ़ रहे हैं थ्रू एसिड, यानी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। लास्ट वाला क्या था जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था, बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। स्टूडेंट्स, वो एक अलग मैकेनिज्म था, ये एक अलग मैकेनिज्म है, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि दोनों में एसाइल बॉन्ड ही ब्रेक होता है, ठीक है। तो चलो इसको हम देखते हैं। पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं और जितने को समझ में आ जाए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो इसको लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं। ये क्या है? एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। लास्ट मैंने पढ़ा था लास्ट लेक्चर नंबर 4 में, बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, और ये है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट क्या होता है कि बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर जो होता है वो कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं होता है ना, बट ये कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है। ये रिवर्सिबल होता है, फुल्ली रिवर्सेबल होता है, इसलिए एग्जैक्टली इसे कहते हैं रिवर्स ऑफ एस्टरीफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? इसको रिवर्स ऑफ एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा हैंडराइटिंग लिखता हूँ गंदा, बट आई होप तुम समझ जाओगे, रिवर्स ऑफ एस्टरीफिकेशन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो ये पूरे पार्ट है इसमें भी वही होता है जो बेस कैटलाइज में होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसमें क्या अलग चीज है। देखो जैसे आर है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज लिख रहा हूँ कि ये जो वाटर है, याद करो बेस में क्या पड़े थे, आइसोटॉप्स लिया था। अच्छा आइसोटॉप्स लेने का रीजन क्या है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि ब्रेक कौन होता है और जुड़ता कौन है। इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट ऑक्सीजन लेता हूँ, यहाँ के ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में थोड़ा सा डिफरेंस भी कर देता हूँ, ताकि तुम्हें मालूम चले कि कौन सा ऑक्सीजन रिमूव होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी ये जो, अब देखो यहाँ पे भी क्या लॉजिक होगा कि जैसे बेस पे पढ़ा था कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें भी क्या होगा, एग्जैक्टली वही चीज होगा। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और एच देख लिया, और ये आर डैश ओ एच, मतलब आप ये मत समझो कि जो है आइसोटॉपिक ऑक्सीजन को पिक करेगा एल्कोहल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, AAC2। AAC2 का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब होता है एसिड, ठीक है, कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड एसाइल। देखो ये जो ग्रुप है ना इसे एसाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो एसिड कैटलाइज्ड एसाइल ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन मतलब SN2 के तरह ही होता है, तो ये भी उसी तरह का होता है। तो एसिड कैटलाइज्ड एसाइल ऑक्सीजन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, देखो एक तो तुम देख लिए इसमें हो क्या रहा है, अभी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो एल्कोहल ग्रुप निकलता है ना, ये जो एल्कोहल होता है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर होता है, तो इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल यूज फॉर्म होगा, नॉट 3 डिग्री एल्कोहल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि याद रहेगा जब तुम देखोगे कि एसिड जो हाइड्रोलाइसिस होता है, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है, इज फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल होता है, ठीक है, नॉट फॉर 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो अब देखो इसमें, अब चलो हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर ये किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है और कैसे इसका होता है। देखो आर है सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो लेते हैं हम लोग कंपाउंड्स, इसमें ले लिया वाटर, ठीक है। अब देखो जैसे वाटर लेंगे तो वाटर क्या करेगा, अब देखो एसिडिक है तो थोड़ा सा पहले एच लो, है ना, क्योंकि वाटर तो लेते हैं, क्योंकि ये लेते हैं वाटर, लेकिन उसे एच प्लस भी तो लेते हैं, ठीक है ना। तो जब एच प्लस लेंगे तो क्या होगा, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये यहाँ पे लॉन पेयर है, ठीक है।
ये लोन पे क्या करेगा, इस एच को अट्रैक्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव चार्ज और ओ आर डैश। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि जब वाटर लेते हो, वाटर के पास लोन पेयर है और ये आइसोटॉपिक है, तो ये लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल के अट्रैक्ट करेगा, तो ये अटैक करेगा सेंटर पे, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और क्या बन जाएगा ये, फिर ये बनेगा आर सी, ठीक है, ओ एच ओ आर डैश और ओ एच और एच, और याद रखना ये एसोटॉपिक है। तो स्टूडेंट्स ये तो कभी स्टेबल नहीं हो कि थ्री पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होके इस ऑक्सीजन पे पास आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि अल्कोक्सी ग्रुप एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, आर सी ओ एच ओ आर डैश और यहाँ पे एच। देखो अब ये लिखने का मतलब क्या था, ये जो आइसोटॉपिक पार्ट है, ठीक है, ये आइसोटॉपिक पार्ट है। तो स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ये बाहर निकलेगा, ये बाहर जाएगा, तो अब देखो क्या होगा, ये बाहर जाएगा तो सोचो जरा, तो ये बॉन्ड फिर से इसके पास जो लॉन्ग पेयर है ये बैक आ जाएगा, है ना। तो अब जैसे ही आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आर ठीक है सी डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव और यहाँ पे ओ एच आइसोटॉपिक पार्ट। अब देखो ये एच जो हमने लिया था, ये एच बाहर निकल जाएगा जो शुरू में हमने यूज किया था, यहाँ पे देखो एसिडिक है ना, इसे कहते ही है ना एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ लेंगे तो तभी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा ना। तो ये अब क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ये अपन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, एसिड हमने बनाया, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड में आता है, और हमने बनाया दो तरह से, एक किस मैकेनिज्म को लेके, एक बी ए सी टू मैकेनिज्म, ए सी टू मैकेनिज्म ले। ठीक है, बी मतलब बेस, ए मतलब एसिड, सी एसाइल, ए मतलब एसाइल, ठीक है, और ए टू मतलब बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, दोनों का दोनों में एक ही चीज होता है कि ओ आर ग्रुप बाहर जाता है। ठीक है, चलो तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।